अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले चैप्टर 11, 12 और 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 10 ईयर्स के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है, इनके एमसीक्यूज़ भी दे चुकी हूँ मैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं इनको फेयर रजिस्टर पर उतार लिया करो, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें, ठीक है, नेचुरली मिल रहे होते हैं तो मैग्नेट्स, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि जो नेचुरल मैग्नेट्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, ठीक है, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो एज अ मैग्नेट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट हमें मिल रहे होते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली नेचर से हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसे मैग्नेट, वो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एज अ मैग्नेट काम करें उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और कुछ ये इसकी डेफिनेशंस भी हैं, ये देख लेना, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि एक जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब तक रेस्ट में हो, मूव ना कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड होती है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज़ एट रेस्ट। और इसे शो किससे करते हैं, कैपिटल ई से, ई फील्ड, या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड। वही चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड होती है, और वही चार्ज जब मूव करना शुरू कर दे तो फिर उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं कैपिटल बी से, बी फॉर बैट, ठीक है, बी से शो करते हैं, कैपिटल बी से। और मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट है वो होता है टेस्ला, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब तक एक चार्ज या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसके अराउंड जो फील्ड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड। वही इलेक्ट्रॉन या चार्ज जब मूव करना शुरू कर देता है तो फिर कौन सी फील्ड डेवलप हो रही होती है, उस वक्त डेवलप हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, अब ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हर उस जगह हमें मिल रहा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, क्वाइल्स हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वहाँ पर हमें क्या मिल रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिल रहा होता है, ठीक। ओके, फिर क्या है कि जब किसी क्वाइल से करंट पास हो रहा होता है तो हम करंट या फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह से देखेंगे, ठीक है, करंट या जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए क्या करते हैं कि दो रूल्स अप्लाई करते हैं, एक है राइट हैंड रूल, एक है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब राइट हैंड रूल क्या है कि डायग्राम है, ये देखो दो डायग्राम्स यहाँ मैंने शो करवाई हैं, ये रे, ठीक है, ये है राइट हैंड रूल। जब हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, राइट हैंड में सीधे हाथ में पकड़ें तो ये जो थंब है, ठीक है, थंब किसे शो करता है, करंट की डायरेक्शन को। और ये जिस तरह से इसकी फिंगर्स टर्न हुई हुई हैं, उंगलियां जिस तरह से मुड़ी हुई हैं, ये शो करती हैं किसे, फील्ड डायरेक्शन को, ठीक है, किसे शो कर रही होती हैं, ये फील्ड डायरेक्शन को, फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको शो कर रही होती हैं। करंट ये थंब किसे शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये है राइट हैंड रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, ये क्या होता है, इट स्टेटेड एज फॉलोज, इफ अ करंट कैरिंग वायर इज ग्रैप्ड इन द राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ द हैंड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी ये जो फिंगर टर्न्स हो रही हैं, अगर हम क्या करें, सपोज पेंसिल ही पकड़ लो हाथ में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, और जो फिंगर्स जिस तरह से टर्न हो रही हैं तो ये किसे शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, राइट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड को शो किससे करेंगे हम, कैपिटल बी से। अब राइट हैंड रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स क्या है, लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेमिंग क्या कहता है कि अगर हम क्या करें, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें तो जो फर्स्ट फिंगर है ये किसे शो करती है, मैग्नेटिक फोर्स को। सेकंड जो ये वाली फिंगर है ये किसे शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ करंट, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी और करंट,
ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो फिंगर है ये किसे शो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को और वेलोसिटी को, ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ये है दो कॉलम, ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। काम तो ये मैं बच्चों को देती हूँ कि वो खुद से करें, तो अब यहाँ मैंने तुम्हें दे दिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। ये काम तो तुम्हारा था, पढ़ के तुम लोग मुझे समझाओगे, ये है कि मुझे तो आता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं क्या और इनकी डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, किसने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 में। साथ साथ मैं बता रही थी कि जब कि किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड डेवलप हो रही होती हैं, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ये पढ़ना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है और इसे तुम मुझे समझाओगे ये है क्या, ठीक है। मुझे तो सपोज़ मुझे आता ही नहीं है, अब मुझे तो तुम लोगों ने समझाना है ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ठीक है। ये एक तरह से तुम्हारा असाइनमेंट हो गया। अब क्या है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम क्या करें कि किसी भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो वो किस तरह से मूव करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है ई से शो कर रहे हैं सपोज, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास चार्ज है, चार्ज कौन सा है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसे किससे शो कर रहे हैं हम ई से। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, किससे शो कर रहे हैं कैपिटल बी से। जब हम चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे क्या करती है फोर्स अप्लाई करती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और वो इक्वल होती है एफ इक्वल्स टू ई वी क्रॉस बी। इस इक्वेशन को हम प्रूफ भी करेंगे आगे। ये एफ क्या है मैग्नेटिक फोर्स, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज जो है वो मूव करता है। ये देखो डायग्राम क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ये वी क्या है उसकी वेलोसिटी है, ये बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, एफ क्या है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज प्रोटॉन चार्ज होता है वो क्या करता है मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या है कि जब किसी चार्ज को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर दो तरह की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एक क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है। जब चार्ज मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, और उस सर्कुलर पाथ की वजह से क्या डेवलप हो रही होती है सेंट्रिपिटल फोर्स डेवलप हो रही होती है, ठीक है। जब भी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है वो चार्ज मूव करता है, और उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाती है सेंट्रिपिटल फोर्स। अब सेंट्रिपिटल फोर्स हमें पता है किसके इक्वल होती है, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है ई वी बी साइन ऑफ थीटा। ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम पार्टिकल को रखते हैं, ये एफ एम क्या है मैग्नेटिक फोर्स, और एफ सी क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये क्या है हम लिखेंगे एफ सी इक्वल्स टू एफ एम। एफ एम की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ कि एफ सी और एफ एम की वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ हम रख देंगे, ठीक है। अब क्या है कि देखो ये क्या है वी और ये क्या है वी स्क्वायर, तो वी एक वी इस वी से वी स्क्वायर का वी क्या हो जाएगा वी इस वी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ई बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ क्या बचेगा एम वी अपॉन आर। फिर यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे आर की, निकालेंगे यहाँ वी, देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बी ई वी साइन ऑफ 90 यहाँ पे रख रहे हैं। साइन ऑफ 90 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए लिखेंगे नहीं। अब क्या होगा इस वी को वी से कैंसिल करेंगे, तो एक स्टेप यहाँ तुम्हें खुद से लिखना होगा, क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर। फिर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा एम वी अपॉन बी ई के, ठीक है। ये कि तो क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज मूविंग, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसका रेडियस क्या होता है एम वी अपॉन बी ई के इक्वल होगा, और ये एम क्या है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये ई क्या है चार्ज ऑफ पार्टिकल,
बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, अब इसमें क्या है, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज स्मॉलर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्शन सॉरी डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज स्मॉलर। अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल को क्या कर दूं, लार्जर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इसका, स्मॉलर हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है ये तुम लोग देख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैंने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज इट इज़ वही चीज़ है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड क्या हमें मिल रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक चार्ज है, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज कह लो या फिर क्या है कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो रही होती है, उसके अराउंड डेवलप हो रही होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, कि वो फोर्स जिसकी वजह से क्या हो, मैग्नेट या मैग्नेटिक चार्ज कह लो, वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या रिपेल भी कर सकता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपेल्जन दोनों हो सकती हैं। तो वो फोर्स जो कि क्या करे, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को इफेक्ट कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वहाँ तक क्या है उस चार्ज की या मैग्नेट की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि फर्स्ट मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 12 में कि फ्लक्स क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये डेल्टा फाई एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब क्या है, इस डॉट को अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। जब भी कहीं भी अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का साइन, तो डॉट को जब हम हटाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। और अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्रॉस का साइन यूज़ कर रहे हों और क्रॉस को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह आता है साइन ऑफ थीटा। और जहाँ पे हम क्रॉस यूज़ करते हैं इट मींस वो वैल्यूज़ क्या होंगी, वेक्टर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और जहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं इट मींस वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, अच्छा अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने देख लिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। फिर क्या है कि ये किस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस वक्त मिनिमम होगा, ये हमने चैप्टर 12 में जैसे पढ़ा था एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। इस थीटा पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किस वक्त मैक्सिमम होगा और किस वक्त होगा मिनिमम, ठीक है। अगर हम क्या करें, थीटा की वैल्यू रख दें ज़ीरो, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रख दें ज़ीरो, तो कॉस ऑफ ज़ीरो होता है वन के इक्वल। कॉस ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वन। अगर एंगल ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर अगर हम एंगल को रख देंगे 90 डिग्री तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है, ज़ीरो। कॉस ऑफ 90 क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम किस वक्त होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस वक्त मैक्सिमम होता है, जब एंगल क्या हो, ज़ीरो डिग्री हो, और जिस वक्त एंगल हो 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एज इट इज़ हम वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अप्लाई की थी, ठीक है। और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। और वेबर देखो किसके इक्वल है, वेबर इक्वल है वन न्यूटन मीटर एम्पियर के। वन न्यूटन मीटर एम्पियर कैसे आएगा, वन न्यूटन मीटर एम्पियर कैसे आएगा, ये आएगा कि अगर पीछे आओ यहाँ पे देखो, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इनके यूनिट्स हम रख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और ये इक्वल होता है वेबर के, ठीक है। तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और यही हमने यूनिट यूज़ किया था चैप्टर नंबर 12 में,
अच्छा नेक्स्ट चीज़ टर्म हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों, को फ्लक्स को जब हम क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड करें तो वो फ्लक्स डेंसिटी होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। और ये डेफिनेशन है टेस्ला की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, ये टेस्ला की। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या है, ये पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का, ये है फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फोर्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, इनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन है। यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं और इन दोनों के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब क्या है कि जब तक तो क्या है, किसी भी कंडक्टर से जितना रेडियस क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो फोर्स ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है तो फोर्स क्या होती है, वीक होती चली जाती है। ठीक है, अब क्या है कि इसके लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू मूव कर रहा है किससे, वेलोसिटी वी यहाँ पे आएगा। वी कंसीडर अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। कि चार्ज हम क्या सपोज कर रहे हैं, क्यू मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करता है, वेलोसिटी इसकी वी है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको शो कर रहे हैं कैपिटल बी से, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। कि जब चार्ज मूव करता है तो एंगल क्या बन रहा होता है, जो एंगल बनेगा उसको थीटा से शो करेंगे। ओके, अब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, अब क्या है, चार्ज एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू के, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी वी के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी के। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फोर्स एफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। अगर इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ठीक है, हम इक्वेशन लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। ठीक है, अब क्या है, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे खुद से, यहाँ नंबर 3 है, इसके बाद लिखना एफ, फोर्स एफ कैपिटल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर लिखोगे क्यू और ब्रैकेट में लिखना वी क्रॉस बी। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज स्मॉल, और ब्रैकेट में आएगा v वेलोसिटी क्रॉस b। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब v क्रॉस b को हम ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि जो चार्ज की वेलोसिटी है v, वो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हमेशा हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका साइन यूज़ करेंगे, क्रॉस का। ओके, और जब क्रॉस को जब भी हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्रॉस को हटाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा एफ इक्वल्स क्यू इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। फिर हम क्रॉस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये री इक्वेशन। ठीक है,
ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कि जब हम चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्यू क्या है चार्ज, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये एफ क्या है मैग्नेटिक फोर्स, और एंगल क्या है, ये एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एंगल होगा उसके बिटवीन जो एंगल होता है उसको किससे शो करेंगे हम, थीटा से। तो जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आ गई, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस वक्त मैक्सिमम होगी और किस वक्त होगी मिनिमम। तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चार्ज को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम उस वक्त होगी जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरह से अगर हमें मिनिमम फोर्स चाहिए होगी तो थीटा की जगह रखेंगे 0, साइन ऑफ 0 होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एंगल इज 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन एंगल इज 0 डिग्री देन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, ठीक है, कंडक्टर है तो जाहिर है उसमें से करंट तो फ्लो करेगा, ठीक है ना, कर सकता है उसमें से फ्लो। कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ क्या है एल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी से शो करेंगे, ठीक है, और कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रही होगी, कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वजह से कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो जो फोर्स जो कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स। अब उस मैग्नेटिक फोर्स एफ की वैल्यू हमें चाहिए कंडक्टर के लिए। पहले हमने क्या फाइंड किया कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड की, लेकिन किसके लिए फाइंड की, चार्ज के लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ही की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं लेकिन कंडक्टर के लिए। अब यहाँ पे देखो दोनों का रिलेशन क्या बनता है कि पहले हमने किसके लिए क्या, मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर है तो उसमें क्या होंगे, सिंगल चार्ज है, ठीक है, कंडक्टर है तो क्या होगा, उसमें सम ऑफ चार्जेस होंगे। कंडक्टर है तो उसमें एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो चार्जेस हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रॉड है, ठीक है, यहाँ हम कंडक्टर है, इसका हम लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय एल। ए क्या है, एरिया, और एल क्या है यहाँ पे, लेंथ। कि एरिया को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ही के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन ए एल। एन ए एल हम क्यों लेंगे, ए एल क्या है, इसका वॉल्यूम है। फिर हम देख रहे हैं कि इसके जो टोटल वॉल्यूम है कंडक्टर का, उसमें एन नंबर ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ क्या है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। और जो चार्ज है, मैंने कहा चार्ज को मैं शो कर रही हूँ स्मॉल ई से। तो जो क्यू हमारे पास टोटल चार्ज, ये जो कंडक्टर है इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास इक्वल होंगे एन ए एल ई के, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किसके इक्वल होंगे, एन ई एन ए एल ई के। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई से शो करेंगे। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो इसमें होंगे कंडक्टर में, उसको हम शो करेंगे एन ए एल ई से। इसको मैंने कहा ये है इक्वेशन नंबर वन। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कौन सी, चार्ज वाली। कि जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या थी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है, फिलहाल हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये क्यू यहाँ हमने डिफाइन किया है कि क्यू किसके इक्वल है, एन ए एल ई के। तो इस क्यू की जगह हम रख देंगे एन ए ई एल, ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो F मेरे पास आ गया, N A E L और V क्रॉस B। फिर हमने क्या किया कि यहाँ V के साथ A सिर्फ हमने लगा दी, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम A यूज़ कर रहे हैं, तो ये A क्या है, यूनिट वेक्टर है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे L को और ये V को, ठीक है, इनको हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, V को मैंने बाहर रख दिया, L को मैं अंदर लेके आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। V यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ कंडक्टर कह दें, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, V क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो V है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, यहाँ देखो वेलोसिटी इक्वल होती है L ओवर T के, वेलोसिटी किसके इक्वल है, L ओवर T के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, N A E, V की जगह मैं रख दूंगी L ओवर T। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये स्टेप लिखा हुआ है, ये जो है V इक्वल्स टू L ओवर T। इसके बाद ये वाले स्टेप आएगा कि F N A E, और जहाँ पे ये V था इसकी जगह मैंने रख दिया L ओवर T, और ये L क्रॉस B, ये देखो यहाँ था, इसको एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा, ये N A E L किसके इक्वल है, Q के। देखो पिछली स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो ये N A L E या E L एक ही बात है, किसके इक्वल है, Q के। तो इस N A E L की जगह हम क्या रख देंगे, Q, T जो डिवाइड हो रहा था एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला जो ब्रैकेट था L क्रॉस B हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब क्या है कि Q ओवर T किसके इक्वल होता है, I के। देखो Q ओवर T किसके इक्वल होता है, I के। तो इस Q ओवर T की जगह हम क्या रख देंगे, I रख देंगे, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई, F इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ठीक है, ये री इक्वेशन। अगर हम क्रॉस को हटाएं तो क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर हम फाइंड करेंगे कि किस वक्त फोर्स पॉजिटिव मैक्सिमम होगी और किस वक्त मिनिमम। अब ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पे कि अगर एंगल क्या होगा 90 डिग्री तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। अगर एंगल होगा 0 डिग्री, साइन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 होती है, अगर एंगल होगा 0 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है, ओके। इसके बाद ये डेफिनेशन है टॉर्क की, तुमने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहला टॉपिक क्या था कि अब ये जो तीन टॉपिक हैं शुरू के, ठीक है, वन बाय वन, इन तीनों में हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। पहले फर्स्ट टॉपिक में हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ चार्ज, सिंगल चार्ज। फिर हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। एफ क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू क्या था, चार्ज, वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बी क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या थी, सिंगल चार्ज के लिए फोर्स। फिर हमने कंडक्टर के लिए फाइंड की, इससे पहला जो टॉपिक था ये वाला, ठीक है, इसमें जो हमारे पास वैल्यू है कंडक्टर के लिए क्या आई है, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। कंडक्टर के लिए हमारे पास फोर्स क्या आ गई, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि अगर किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। पहले हमने टॉपिक क्या था कि अगर किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फिर सेकेंड टॉपिक था कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। थर्ड टॉपिक है इसका कि अगर हम किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले हमने बता दिया टॉर्क क्या है, अब क्या है, ये देखो, टॉर्क ऑन अ कंडक्टर करंट कैरिंग क्वाइल इन अ, बल्कि ये करंट कैरिंग क्वाइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी करंट कैरिंग क्वाइल, क्वाइल जिसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है, हो रहा हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि जब हम किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्वाइल क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्वाइल क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा, अब क्या है कि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वाइल है, क्वाइल को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी का, ठीक है, उसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब हम लेंगे क्वाइल क्या होता है, क्वाइल अगर एक सीधा सीधा हम लेंगे तो क्वाइल है ना, उसी क्वाइल को अगर मैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोड़ती जाऊँ तो वो क्या बन जाएगा, वायर, एक स्ट्रेट क्या है, वायर है, वायर को इस तरह टर्न करते जाओ मोड़ते जाओ तो वो क्वाइल बन जाएगा।
कॉयल भी किससे बन रहा होता है? से ही बन रहा होता है। वायर क्या है? कंडक्टर है, है ना? कि एक कंडक्टर से हम क्या कर रहे होते हैं? कॉयल बना रहे होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कंडक्टर के लिए हमने फोर्स की इक्वेशन ड्राइव की थी वो यूज़ करेंगे, क्या था? एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। और चार्ज के लिए हमने क्या की थी? एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। कंडक्टर के लिए क्या थी? एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि चार्ज के लिए जो फोर्स थी, चार्ज ही का जब हम सम ले लें तो वो कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर को ही अगर हम क्या करें, उसको टर्न करते जाएं तो वो कॉयल बन जाएगा, ठीक है? तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? बी आई एल साइन ऑफ थीटा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि अगर क्या है, एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है? तो साइन ऑफ 90 क्या होता है? 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? एफ इक्वल्स टू बी आई एल। अच्छा, फिर क्या है यहाँ आ जाओ, टॉर्क किसके इक्वल होता है? एफ डॉट बी। टॉर्क क्या होता है? हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है? और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मोमेंट आर्म यूज़ करते हैं, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है? फोर्स एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, एफ़ की जगह रखेंगे हम इसकी वैल्यू ये वाली, एफ़ क्या है? बी आई एल डॉट बी, ऐसे ही रहेगा। डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये एल और बी का जो प्रोडक्ट है, ये एल क्रॉस बी इक्वल होता है एरिया का। जब भी हम, ये देखो, बी क्या है? ब्रेथ। एल क्या है? एरिया। सॉरी, एल क्या है? लेंथ। जब भी लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ए के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी आई तो ऐसे ही रहेगा, एल क्रॉस बी की जगह रख देंगे ए, तो ये हो जाएगा टॉर्क के लिए जो साइन हम यूज़ करते हैं उसको किससे शो करते हैं? टॉ से। टॉ इक्वल्स टू बी आई ए कॉस ऑफ थीटा। बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? कंडक्टर पासिंग थ्रू द कॉयल, ठीक है, सॉरी, करंट पासिंग थ्रू द कॉयल। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉयल। ओके, फिर क्या है कि जब हमारे पास कॉयल होती है तो कॉयल इस तरह से ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि कॉयल क्या होती है कि उसको हम सर्कुलर, मैंने इस तरह से इसको टर्न, इसको नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे दिए, ठीक है, इसको मोड़ती गई, तो उसमें क्या होते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। कॉयल में क्या होते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो क्या किया कि यहाँ पे हम एन ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया बी आई ए एन कॉस ऑफ थीटा। कि जब हम किसी कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करती है, जब मूव करेगी तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है? टॉर्क। जब भी किसी कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो वो मूव करना शुरू कर देती है। मूव जो करती है, मूविंग इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? उसको किससे शो करते हैं? टॉर्क से। उसे क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क से यूज़ करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। तो ये टॉर्क इसके इक्वल हो गया बी आई ए एन कॉस ऑफ थीटा, या इसको मैंने लिखा बीना कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल, ठीक है। ये ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल। आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू द कॉयल। बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टी क्या है? टॉर्क और टॉप, ठीक है। ये थे टॉपिक्स।